ये बार सर्वरलेस स्टार्ट कर, ठीक है? आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो हमें सर्वरलेस के बारे में इनफ अंडरस्टैंडिंग हो गई है अभी। डू वी नीड टू रिपीट व्हाट इज सर्वरलेस? ठीक है, आपको क्या करना है पता है अभी अभी कि आपके नोट्स में ना यू नीड टू पॉइंट आउट सर्टेन डिफरेंसेस खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैं ग्लू को कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है, और ग्लू में क्या क्या चीजें बोलूंगा, ईएमआर सर्वरलेस से उसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। नॉट मेनी मेजर पॉइंट्स, ठीक है, मेजर पॉइंट्स रहना जरूरी नहीं है। जो भी आपके फंक्शनल पॉइंट्स भी होंगे या फिर फीचर बेस्ड पॉइंट भी होंगे, दैट विल डू, लेकिन यू शुड हैव 2 to 3 points रेडी विथ यू इफ समवन आस्क यू दिस क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा तो जा सकता है ना, कोई पूछ सकता है, आपके मॉक में पूछ सकता है, एक्चुअल इंटरव्यूज में पूछ सकता है, बराबर। तो आप आपके पास एटलीस्ट एक दो दो से तीन पॉइंट रहना जरूरी है, ठीक है। व्हाई वुड यू यूज ईएमआर सर्वरलेस ओवर प्रोविजन क्लस्टर्स, ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं, राइट। यू शुड रीड अबाउट इट, मेक 10-15 लाइन्स ऑफ नोट्स अबाउट एवरी टॉपिक। हमने नोटबुक में काफी चीजें फैसिलिटेट कर दी है। विल राइट अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सर्वरलेस ऐड ही कर देते हैं। ईएमआर सर्वरलेस, ठीक है। आई विल नॉट प्रोवाइड यू सर्टेन पॉइंट्स अभी, बेसिक एक दो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। अब बाकी कर लोगे आप, पॉइंट्स निकाल लोगे चैट जीपीटी से पढ़ के या फिर ऑनलाइन पढ़ के, ये थियरी की चीज है, ठीक है। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ रनिंग बिग डेटा वर्कलोड बाय एब्स्ट्रैक्टिंग अवे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग एंड, ये तो कॉमन स्टेटमेंट है हमारा कोई भी सर्वरलेस के लिए, यहाँ पे भी अप्लाई होगा वो, करेक्ट। इफ यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर प्रोविजन डीएमआर एंड ईएमआर सर्वरलेस, दिस कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल पॉइंट है, ऑफकोर्स बहुत जेनेरिक पॉइंट है, लेकिन ये आप जब बता रहे हो ना आगे वाले को, उसके लिए जेनेरिक है ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट हो गया ना हमारे कॉन्वर्सेशन में, इसलिए हमें बहुत जेनेरिक लग रहा है। लेकिन यू विल बी आस्क वन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ग्लू और ईएमआर का डिफरेंस बताओ, ईएमआर ईएमआर सर्वरलेस का डिफरेंस बताओ, तो आपके रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में जनरली नहीं हो, सेम सेम पॉइंट नहीं बताओ, जो कोई पूछेगा एक ही क्वेश्चन पूछेगा एटलीस्ट, ईएमआर ईएमआर सर्वरलेस का डिफरेंस बताओ या फिर ईएमआर सर्वरलेस और ग्लू का डिफरेंस बताओ, ठीक है, तो आपके रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स एज सच नहीं होंगे इंटरव्यू, ठीक है। हाँ, ये देखो, ठीक है, अंडरलाइन सर्वर मैनेजमेंट की विदाउट नीड, हाँ सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, ठीक है। अलाउ यूजर टू फोकस ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स टास्क विदाउट द नीड टू वरी अबाउट अंडरलाइन सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है। और कुछ लिखना है इसमें लिख लो, आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, यू शुड राइट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। आप खुद से ऐड कर रहे हो क्या अपने नोट्स, ये नोटपैड जो हम लोग दे रहे हैं, यस मतलब हम सर, लोग लिख रहे हैं, कितने यस सर, लोग अपने नोट्स ऐड कर रहे हैं इसमें? कैसे बना रहे हो, नोटबुक में बना रहे हो कि नोटपैड में ही इसको एडिट करके रख रहे हो? नहीं सर, नोटबुक, मैंने नोटबुक, नोटबुक्स, अच्छा हार्ड कॉपी, सर मैं वर्ड पैड और नोटबुक में दोनों में बना रही हूँ, नोटपैड, और आपका जो नोट्स है वो अलग से ही रखा है, उसको रेफर करके और इलेबरेट करके रखा ठीक है, इट्स योर चॉइस, है। ठीक यस है, सर, इट्स योर चॉइस, हर एक का स्टाइल अलग होता है, यू शुड नॉट मेक मेजर चेंजेस इन योर स्टाइल, ठीक है, क्योंकि उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन इट इज बेटर, क्योंकि मैं भी नोटबुक पर्सन ही हूँ, ठीक है, नोट्स लिखना मुझे फिजिकली नोटबुक पे लिखना ज्यादा पसंद है, लेकिन पता है क्या, ऑनलाइन नोट्स मेंटेन करने का बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद इट टू अडेप्ट इट, बट
बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है यू कैन पुट सम लिंक्स और कोई इमेज इमेज डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तो दैट दैट मेक्स योर टास्क वेरी मच इजियर। ठीक है, तो जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट नेसेसरीली कि सब लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैं ही स्ट्रगल करता हूँ, मैं आई डू प्रिफर राइटिंग राइटिंग डाउन ऑन नोटबुक, ठीक है, पॉइंट वगैरह, क्योंकि वो हैंडी हो जाता है रिवाइज करने में मेरे लिए। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट्स डाल लो, दिस इज अ गुड चंक कि 49 लोग अगर के नोट्स ऐड कर रहे हैं, दैट इज गुड। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, दिखाने के लिए बोल सकता हूँ, दिखा पाओगे? यस यस सर, यस सर सर, यस सर चलेगा चलेगा। हम लोग जब सर ने बोला है ना मॉक रहेंगे, तब तो आपके नोट्स भी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, चलेगा क्या? अभी अभी सर अभी से शुरू मत कर यस देना नोट्स बनाना, बोल दिया है तो बना लूंगा, ऐसा नहीं है, ये आपके लिए है। ठीक है, आपकी मतलब ये किसी को प्रूव नहीं करना है। ये देखो, 3 लोगों ने हैंड रेज मतलब हैंड्स डाउन कर दिए, ठीक है, डजेंट मेक सेंस ये चीजें, ये आपके लिए। मैं क्यों चेक करूंगा आपके नोट्स, व्हाई वुड आई डू दैट? ठीक है, मुझे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कितने लोग कर रहे हैं बस। ठीक है, चलो तो EMR सर्वरलेस देखते हैं अभी। वी नो व्हाट इज सर्वरलेस, वी डोंट नीड टू मैनेज एनी प्रोविजनिंग पार्ट। ठीक है, तो विल डू द डेमो। ठीक है, हमें स्टूडियो क्रिएट करना आता है, EMR यस स्टूडियो क्रिएट करना आता है हमें, सर आता है राइट? यस ठीक है, सर तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड EMR स्टूडियो, वी कैन डू दैट अगेन ऑल्सो। ठीक है, तो EMR स्टूडियो के लिए मैंने एक रोल दिया है शायद, नहीं, रन टाइम रोल बनाया है। ठीक है, तो आई नीड टाइम, ओके। हाँ, तो इसके लिए ना ये एक आई शो। ठीक है, मैंने जॉनी शिवर्स, आपने जॉनी शिवर्स के कोई वीडियो देखे हैं? किसी ने देखे हैं जॉनी शिवर्स की वीडियो? यस ठीक है, आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल और इट इज टू कॉम्प्लेक्स? एक्चुअली उसकी लैंग्वेज थोड़ी इट्स फास्ट है यूजफुल उतना सर, ही यूज यस यस आई आई हाँ अदरवाइज इट इज यूजफुल हाँ ना, मुझे पता है। और वो थोड़ा ना चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैसा है ना, वो वेस्टर्न वे ऑफ टीचिंग है। ठीक है, सिंपल है, वो लोग स्पून फीड नहीं करते। हम लोगों का आदत है पहले से स्पून फीडिंग की, हर चीज को एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, तो हम लोग को ऐसी आदत है ना, वो लोग उतना आपको हर चीज समझा के नहीं देता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट, आई डू अंडरस्टैंड दैट। मैंने जब आपको वो रेफर करने के लिए बोला था, तब भी बोला था कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशंस और उसके स्लैंग उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आता है, लेकिन यू नीड टू वॉच दोज वीडियोज 2-3 टाइम्स, पहले थोड़ी सी प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है व्हाट इज गोइंग टू डू, और उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि प्रोसेस में क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड विथ दिस वीडियोज, ठीक है, लेकिन आई फाउंड इट वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो एटलीस्ट, एंड आई एम यूजिंग हिज डेटा ओनली। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, वर्ड काउंट डॉट पी वाई फाइल वगैरह, मैंने उसी का यूज किया है, ये हमारे सर्वरलेस का जो वीडियो है ना। तो आई मतलब देखो, आपको ना ट्रांसफॉर्म्स कैसे लिखना है ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेल यू वॉट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिटन एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म, यू हैव लर्न इट इन स्पार्क। ठीक है, आई जस्ट हेल्प यू आउट हाउ टू सबमिट दो जॉब्स इन इन योर क्लस्टर और इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आई हैव दिस पी वाई फाइल, ठीक है, विच हैज यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस ऑल्सो, यू कैन मेक योर ओन पी वाई फाइल। इसमें क्या किया है, बेसिक जो EMR सैंपल, EMR खुद के सैंपल डेटा प्रोवाइड करता है ना, उसको उस टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करके उसका वर्ड काउंट किया है। ठीक है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज राइट EMR स्क्रिप्ट ऑन योर ओन, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस कस्टमर डॉट CSV फाइल, जस्ट पार्स जस्ट रीड दैट फाइल एज अ पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम, ट्राई टू डू सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड राइट द आउटपुट समवेयर इन वन ऑफ द S3 बकेट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्म इस स्ट्रक्चर में डाल के बनाओ बस।
ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर? कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेन के अंदर सारी चीजें लिखनी है हमें बस। जैसे हम लोगों ने स्पार्क हाइफन ईटीएल वाला लिया था, वो भी सेम ही है ना। इसमें सिर्फ हमने एडिशनल वो सिर्फ सिस डॉट ऑर्ग वाली चीजें ली थी। द स्ट्रक्चर इज सेम। मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। ठीक है, आप जो भी आप अपने स्पार्क के टाइम पे जो भी स्क्रिप्ट बना रहे थे वही करना है। बस यहाँ पे पाथ, लोकल पाथ नहीं देने हैं, S3 के पाथ देने हैं और वैलिड पाथ देने हैं जहाँ पे आपकी फाइल है इन ट्रू सेंस। ठीक है, नहीं तो फाइल एक जगह पे पाथ एक दे रहे हो और बोल रहे हो कि हो नहीं रहा है। वो चीजें वेरीफाई करना सीखो, स्क्रिप्ट और आपके पाथ्स, मतलब लोकेशन ऑफ योर फाइल्स शुड बी कोहरेंट। ये चीजें बहुत बेसिक लग रही है आपको, अभी बहुत कॉमन सेंसिकल लग रही है। वी डू कमिट मिस्टेक्स इन दिस थिंग्स। ठीक है, बहुत बहुत चीजों में कंफ्यूजन होती है बाद में। ठीक है, तो दिस इज द फाइल वर्ड काउंट। हम लोग इसको एज ए स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइल डालने वाले हमारे EMR, इसमें EMR सर्वरलेस एप्लीकेशन। ठीक है, सो फॉर दिस आई हैव पॉलिसी, ठीक है, जो जॉनी शिवर्स ने प्रोवाइड की है। आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस टू यू एज अ जिप। ठीक है, यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट। ठीक है, व्हाट इज दैट पॉलिसी? यहाँ पे सिर्फ उसने क्या किया है, रीड एक्सेस फॉर EMR सैंपल्स को ये किया है। ठीक है, तो ही इज गिविंग एक्सेस टू सर्टन रिसोर्सेस ऑफ S3, तो हमें इसको जानने की ऐसा जरूरत नहीं है। डू यू गाइज ऑब्जर्व दैट आई हैव बीन इग्नोरिंग सर्टन पार्ट रिलेटेड टू पॉलिसी एंड रोल? ठीक है, यू मस्ट बी वंडरिंग वाई वाई ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं कुछ चीजें? यू गेट दिस पॉलिसी ऑनलाइन ऑल्सो इफ यू सर्च इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, और ये पॉलिसी रोल के बीच में अटके मत रह जाओ, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है सच। इफ यू सीक हेल्प फ्रॉम योर AWS इंफ्रा टीम, दे कैन हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। ठीक है, तो हमारा मेन काम जो प्रोसेसिंग है वो है। ठीक है, जॉब कैसे सबमिट करना है वो सब चीजें, प्रोविजनिंग हमारा काम नहीं है। ये चीज समझने में बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है अभी के लिए, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ कैसे आओ कैसे करोगे? अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है ना, तो हर एक अगर ग्रैनुलर एक्सेसेस देने हैं ना आपको, अगर समझो तो आपको सारे एक्सेसेस समझने पड़ेंगे, सारे एक्शन समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो किस चीज के लिए, लाइक नोटबुक के लिए ये क्यों चाहिए वो क्यों चाहिए? जैसे हमने अभी जो डिस्कशन किया सेज मेकर रिलेटेड, ये तो एक पॉइंट हो गया। हर हर या हर जगह पे आप ये सोचोगे ना ग्रैनुलरिटी के बारे में, इट इज गुड टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम। ठीक है, जैसे आदित्य ने कल बोला था कि ही गोज फॉर दैट अप्रोच, फर्स्ट गिव्स फ्यू ऑफ द एक्शंस एक्शंस ना, हाँ ठीक है, बाद में अगर उससे नहीं होता है तो ही प्रोवाइड्स फुल एक्सेस। दैट इज अ गुड अप्रोच, बट डोंट डोंट इंडल्ज टू मच इन टू इट। दैट इज नॉट कोर पार्ट ऑफ वॉट यू विल बी डूइंग। ठीक है, और एक ये मैं दे दूंगा आपको, ग्लू क्रिएट एंड रीड कैटेलॉग, क्योंकि हम लोग AWS डेटा कैटेलॉग यूज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस पॉलिसी। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड दिस पॉलिसी विद दिस नेम, EMR सर्वरलेस एग्जीक्यूशन पॉलिसी। कैसे क्रिएट करते हैं पॉलिसी, कैन एनीवन टेल मी? एक विजुअल होता है सर, एक जेसन से। हाँ सॉरी, थोड़ा लाउडली बोलो ना प्लीज। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, दैट्स आई आस्क यू टू स्पीक बिट लाउडर। सर, जनरेट पॉलिसी। सर जनरेट पॉलिसी में मतलब दो ऑप्शंस होते हैं, एक विजुअल का होता है और एक मतलब कि डायरेक्ट जेसन जेसन लिखना पड़ता है पॉलिसी का। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये जेसन दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट करके उसको क्रिएट कर दोगे, राइट? यस ठीक है ना, सर। हाँ। तो वैसे पॉलिसी क्रिएट की है और हमने एक रोल क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने EMR सर्वरलेस
एग्जीक्यूशन रोल बनाया है। कैसे बनाया है इसको, मैंने जब क्रिएट किया है ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था मेरा, जब मैं रोल क्रिएट करने जा रहा था, वो जब मैं यूज केस EMR सर्वरलेस डाल रहा था ना, तो उसका एक डिफॉल्ट रोल नेम सिलेक्टेड आ रहा था, आई एम नॉट एबल टू एड एनी पॉलिसीज इन इट। दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक कस्टम ट्रस्टेड पॉलिसी क्रिएट की। आई विल शो यू, आई विल क्रिएट वन मोर। हाँ, तो मैंने कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी की, यहाँ पे सिर्फ मेरे एप्लीकेशन का नाम दिया इन दिस वे, सर्विस विद, मेरा एप्लीकेशन क्या है, EMR सर्वरलेस डॉट Amazon AWS डॉट कॉम। ठीक है, ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है, ये मैंने दिया। ये क्रिएट करने के बाद, ठीक है, गो अहेड, यहाँ पे मैंने ये वाली पॉलिसी अटैच, जो मेरी कस्टम पॉलिसी है। समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू फॉलो दिस थिंग? पॉलिसी रोल में बहुत कंफ्यूजन होती है सबको, समझ में आ रहा है क्या? बोलो, सर आई कैन रिपीट? ओके, इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट जस्ट स्पीक आउट लाउड। वो अपने रोल में कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी सिलेक्ट किया था ना, तो यस उसमें ये जो कस्टम क्रिएटेड पॉलिसी वो बस अटैच की ना आपने, वही किया यस ना? यस हाँ, वो रोल क्रिएट कर समझ लिया और ये अटैच कर दी, बस हाँ समझ गया। खत्म। ठीक है, तो वैसे मैंने कौन सा रोल क्रिएट किया था, नाम क्या था मेरे रोल का वैसे? ये EMR सर्वरलेस। ठीक करने है, चलो ये देख लो, दिखा देता हूँ ना मैं आपको क्या अटैच। यू विल बी एबल टू सी, ये देखो, सर्वरलेस एग्जीक्यूशन पॉलिसी बस अटैच है यहाँ पे, एंड ठीक है। तो कहा थे हम लोग, स्टूडियो बनाया था हमने, व्हाट वी विल डू इज, स्टूडियो में हमें EMR स्टूडियो में जाना है। ठीक है, दिस इज EMR स्टूडियो में जाना है। यू गेट दिस एक्सेस URL, राइट, स्टूडियो URL, गो टू दैट एक्सेस URL। ठीक है, हमने कल क्या किया था, जब भी हम EMR स्टूडियो और वर्क स्पेस में डील कर रहे थे, तब हमने वर्क स्पेस क्रिएट किया था, राइट। हम लोग अभी सर्वरलेस से, हमें एप्लीकेशन और जॉब्स, मतलब एप्लीकेशन जॉब सबमिट करने हैं, तो विल क्रिएट एन एप्लीकेशन, गिव नेम एज, क्या दे सकते हैं, स्पार्क ट्रांसफॉर्म, वर्ड काउंट ट्रांसफॉर्म, ऐसे कुछ देते हैं। ठीक है, या तो ये देखो, तो यहाँ पे टाइप, यू यू कैन सबमिट टू टाइप्स ऑफ जॉब हियर, स्पार्क एंड हाइव। यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट हाइव एज सच, दैट्स व्हाई यू विल बी डीलिंग विद स्पार्क मेनली। उसके बाद और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है हमें एप्लीकेशन में, ठीक है, तो वी विल बी क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज डिफॉल्ट। इफ यू कुड ऑब्जर्व, आई क्लोज इट, लेकिन आप लोगों को ना वहां पे, अरे यार कहाँ था, वहां पे आपको सारी चीजें दिखती है। ठीक है, क्रिएट करते हो ना, तब आपको मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स दैट कैन बी प्रोविजन, वो सब लिख के दिखता है, वो सब पढ़ लिया करो। ठीक है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, जस्ट रीड सर्टेन थिंग्स दैट आर देयर। ठीक है, वो कब यूजफुल होगा, यू नेवर नो। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर एंटरिंग इनटू दैट एप्लीकेशन एंड विल सबमिट अ जॉब हियर। ठीक है, तो जॉब का नाम देते हैं हम लोग, वर्ड काउंट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, या द रन टाइम रोल वुड बी माय EMR सर्वरलेस रोल, ओके, एंड माय स्क्रिप्ट लोकेशन वुड बी, आई हैव अपलोडेड दिस फाइल टू दिस लोकेशन इन आर EMR लोकेशन और स्क्रिप्ट, ओके, दिस इज माई PY5, यूजिंग दिस फाइल आई डोंट वॉन्ट टू प्रोवाइड एनी आर्ग्यूमेंट्स एज सच, आई डोंट हैव
any input location, output location that needs to be accessed in my script file. So I am not providing any arguments here. ठीक है, अगर आपको argument provide करने हैं तो कैसे access करोगे script में उसको, बोलो। S3 path से। अरे script में argument के sys.org exactly या और उसका approach क्या होगा? If you don't want to pass those arguments, but you have a file based in S3 location, what can be a second approach without providing? Hard code कर देंगे, right? Script file में hard code कर देंगे। बाकी लोगों को समझ में आ रही है ये चीज? Yes, हम लोगों ने ये कल 10 बार बोली है चीजें, ठीक है? 10 बार बोली है ये, और मैं 10 बार बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि सबको समझ में आती है, ऐसा नहीं है। Those of you who are not able to comprehend these things, बार बार सुनने से आपको समझ में आ जाए, ठीक है? मैं किसी को पूछता हुआ देखो, संदीप वाघमारे, कैन यू यस सर, हमने अभी एक चीज बोली है, तो इफ आई वॉन्ट to specify any input or output S3 paths, what can be two approaches? S3 input and output S3 path in my script location. Okay, what can be two approaches? Can you elaborate on that? Sir, first approach is by providing the S3 buckets path where we want to locate the file, and by writing the hard coded script of that. Yes. Okay. In script. Yes, PY file, right? Yeah. Yes. Okay. What is the second one? Providing the bucket path location as argument. Yeah. As argument, script arguments, right? And how you will access them in your script file? In script. Not getting, sir. Abhi? Yes, sir. Batao, batao. Kaise kar rahe hain hum log? By writing import sys, then import date time. Writing function, then print length of sys.args. Length ka kya matlab? Length to wo to verify karne ke liye. Access kaise kar rahe ho batao na? sys.argv of 1, sys.argv of 2, ये आपके accesses हो गए, right? From yes, your sir. Command line or from your any argument console, right? Yes, sir. ये वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Yes. ठीक है, चलो. That's why that's what I wanted to clarify. ठीक है, सबको समझ में आता है, ऐसा नहीं है. That's why मैं किसी को randomly पूछ सकता हूँ कभी भी, ठीक है? Okay. तो we are done with this thing. ये हो गया हमारा, हम लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, डू वी नीड टू प्रोवाइड इन आर्ग्यूमेंट्स? आपने स्क्रिप्ट फाइल देखी है, डू वी नीड टू प्रोवाइड इन आर्ग्यूमेंट्स हियर? यस. व्हाट आर्ग्यूमेंट शुड आई प्रोवाइड? तो स्क्रिप्ट एक्चुअली बराबर से देखी है सर, बस एक बार दिखाएंगे कैसे. ठीक, यस कैसे बोला आपने? ठीक है, चलो देख लो. आप अनम्यूट कर सकते हो क्या, ये स्क्रिप्ट को मुझे समझा सकते हो क्या? सिंपल है, कुछ भी नहीं. yes, sir, है इनिशियली तो मतलब कि स्पार्क ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब स्टार्टिंग में इंपोर्ट किया है, देन मेन मेथड में स्पार्क ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद जस्ट लेन चेक किया सर. ओके. हाँ सर. सर इसमें तो आर्ग्यूमेंट लिया है सर एक sys.argv of 1, अगर दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो नहीं चाहिए. देखो डिफॉल्ट सर, फिर तो फिर वो सर, वो जो एक आर्गुमेंट लिया उसके लिए लेना पड़ेगा सर, फिर वहां पर ओके आउटपुट पाथ देना पड़ेगा हमें ना. यस ठीक है, दे देते आपको. लेकिन वो 1 लिया है सर उसमें, तो मतलब कि 0 पोजीशन पे भी कोई तो आएगा ना, इनपुट आएगा 0. अरे भाई ये देख, ये देख,
जीरो पोजीशन पे हर बार स्क्रिप्ट ही रहेगा, एक ठीक रहेगा। है? हाँ यस, तो वो भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा फिर। नहीं वो नहीं देना पड़ेगा, वो इट डजेंट ट्रीट इट एज अ फर्स्ट जीरोथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है? वो वन से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है। जीरोथ आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज योर स्क्रिप्ट लोकेशन फॉर योर स्पार्क सबमिट और स्पार्क आर्ग्यूमेंट इसके लिए, ठीक है? अभी के ओके लिए आउटपुट पाथ लेट सी देना पड़ता है या नहीं, देख सकते हो? सर, कल जब हमने कमांड रन जार दिया था हाँ, तो उस वजह से हमें स्क्रिप्ट लोकेशन जीरो लोकेशन पे देना पड़ा है ना, यहाँ वो पे वो आप, ऑप्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग जो आउटपुट अरे करेंगे। यहाँ पे यू हैव दिस ऑप्शन फॉर प्रोवाइडिंग स्क्रिप्ट लोकेशन, राइट? यस हाँ दिस दैट्स इज सर। हाँ ये समझ आ गया यूआई सर। में अगर दिया है आपने, व्हाट डू यू थिंक अंडरलाइंग बिल्ड नहीं होता होगा इसमें जब हाँ आपकी समझ आ ईएमआर गया। एप्लीकेशन सबमिट होती है? दिस इज जस्ट अ यूजर इंटरफेस, राइट? यस ये सर। दोनों मिलके एक कमांड बिल्ड होती है, स्क्रिप्ट लोकेशन और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट बन के एक कमांड बिल्ड होती है, दैट गेट सबमिटेड, राइट? गॉट गॉट इट समझ में सर। आ रहा है यस क्या? अभी यस कौन सर। बोल रहा था ये जीरोथ लोकेशन भी देना पड़ेगा? दैट्स यस व्हाट सर वी आर यस टीचिंग, एक्चुअली हाँ। यस दैट्स सर, वो व्हाट वी आर, एक्चुअली ऊपर ही स्क्रिप्ट का लोकेशन दे दिया है ऑलरेडी, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं कंफ्यूजन क्रिएट हो मतलब गया। दिस थिंग्स इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर नॉट वेब डेवलपर्स, ठीक है? लेकिन अंडरलाइन क्या होता है, जब ये आपको यूआई ऑप्शन दिए जाते हैं ना, व्हेन इट इज दीज आर प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट दिस इट बिल्ड्स अ स्पार्क सबमिट कमांड अंडरलाइन, ठीक है? तो ये जीरोथ लोकेशन पे ये प्रोवाइड कर देगा, वो फर्स्ट लोकेशन पे ये कर देगा, सेकंड लोकेशन पे ये कर देगा, वैसे होता है, वेब यूआई वैसे वर्क करता है, ठीक है? अभी के लिए चलो हिस्ट्री पाथ दे देते हैं कोई भी आउटपुट लिखने के लिए, इफ यू वांट टू वेरीफाई व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट प्रोवाइड एनी हिस्ट्री पाथ। इट माइट बी थ्रो एन एरर, नो, क्यों एरर देगा? इट विल क्रिएट बैनर बट अर्ग वी नो, अर्ग ऑफ वन सॉरी दैट अर्ग वी ऑफ वन इज एरर क्यों देगा वो? एरर नहीं देगा वो, वाई देखो, और यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो, वहां पे देखो, पहले ही हमने हार्ड कोड कर दिया है उसको, आउटपुट पाथ इज नन, सिर्फ अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसको ओवरराइड कर रहा है। व्हाट विल हैपन यस इज इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट पाथ, तो यहाँ पे जो राइट करोगे यहाँ पे नन जाएगा, तो कहीं पे लिखा नहीं जाएगा वो आउटपुट, बस यू विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई इट, बस कोई स्त्री लोकेशन पे जाएगा नहीं वो, बस इतना ही होगा। ये बाकी सारी चीजें प्रिंट तो होगी, यहाँ पे नन प्रिंट होगा, बस। समझ में आ रहा है? यस सर। इट विल नॉट गिव एन एरर, ठीक है? तो यू वॉन्ट मी टू गिव एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है? सो लेट्स गिव इट, कहाँ था यार? ओके चलो, लो ठीक है। ओके, हो गया हमारा जॉब, लेट्स सबमिट दिस जॉब। क्या हुआ? इनवैलिडरी फॉर्म कैसे देना है इसको? अरे ऑफ ऑगमेंट पास में जॉब हैंडल रीडिंग दिस पैरामीटर फॉर्म, कैसे देंगे इसको हम एज इनपुट इफ आई वांट टू प्रोवाइड ओनली वन आर्ग्यूमेंट? दिस इज डबल, जब ब्लैंक था ना तब शायद उसने फॉर्मेट दिया था, विंडोज ओके ब्लैंक थी था तब। यस ठीक, हाँ वहां पे दिखा था, वी नीड टू यूज कॉमा। यस, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू यूज कॉमा, ठीक है? कर्ली ब्रेसेस में था ना, सॉरी इसमें था ना ये,
ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में में, दिया यस सर, डबल इन्वर्टेड। हाँ ठीक है, एंड विथ कॉमा राइट, डू वी नीड टू प्रोवाइड कॉमा ऑल्सो? नहीं ना, टपल जैसे नहीं करना पड़ता है। इज दिस वर्किंग? लेट्स सी इट वर्क्स। ओके ठीक, अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जब ये क्रिएट हो जाए, मतलब स्टार्टिंग आता है शायद, और फिर ये रनिंग हो जाएगा। इट टेक्स सम टाइम, ठीक है? क्यों टाइम लेता होगा? थोड़ा बहुत कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर्वरलेस का अंडरलाइंग आर्किटेक्चर क्या होता है? अभी समझो एक वर्कलोड हमने सबमिट किया है, ठीक है? व्हाट इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड? बोलो, हमने कोई डिफॉल्ट प्रोविजनिंग की है क्या? नो सर, एग्जैक्टली। नहीं राइट, तो मे बी सर, मतलब सिस्टम सारे कॉन्फिगर करने के लिए या फिर क्लस्टर कॉन्फिगर करने के लिए टाइम लगता होगा। कॉन्फिगर करने से पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन व्हाट अमाउंट, हाउ मेनी एग्जीक्यूटर्स, लाइक दोज थिंग्स नीड टू बी कॉन्फिगर्ड राइट। वो पहले उसको इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरी वर्कलोड नीड क्या है, तो मेरी फाइल साइज क्या है, वो सब चीजें देख के वो अपने मतलब डायनामिकली वो प्रोवाइड करेगा चीजें। ये हमारा सर्वर लिस्ट, बराबर? सर्वर मैनेजमेंट अंडरलाइंग होगा तो उसको इंटेलिजेंटली हैंडल तो करना पड़ेगा ना। इट टेक्स सम टाइम फॉर दैट, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे इट टेक्स सम टाइम। अभी स्टार्ट हो गया, ये जैसे स्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, फिर ये शेड्यूल हो जाएगा। हाँ ये रन होगा अभी। ये रन होने तक हम लोग ना सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या बची है हमारी ईएमआर में चीजें, क्योंकि हमें बोटो 3 शुरू करना है। विल बी परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क विद बोटो 3। मैं एक दो सर्विस के लिए आपको करके दिखा दूंगा, विद दैट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कैसे फंक्शंस एक्सप्लोर करने हैं, कौन से फंक्शंस एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है? लेट्स लुक एट आवर सिलेबस वंस। ओके, ये हमारा आर्किटेक्चर, बंडल दिस थिंग इज कवर्ड, एस्पेक्टली डिफरेंशिएट लेफ्ट ऑफ ट्रैफिक, ई बेस वॉल्यूम, क्लस्टर स्केलिंग एंड प्रोविजनिंग, ये हमने देखा राइट, एक्सप्लेन किया हमने। लिखा नहीं ना, ये लिखी है क्या चीजें? हमने लिखी है शायद ऑटो स्केलिंग, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्लस्टर साइज एज पर वर्कलोड रिक्वायरमेंट। ओके, हमने ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंसेस, रिजर्व इंस्टेंसेस, डेडिकेटेड इंस्टेंसेस, ये सब देखा है? यस 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 सर, देखा है ना, EC2 में देखा है शायद, हो ना? यस yes. सर, आप लोगों को समझ में आया ना वो? सर सर दोज आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, दैट इज लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है? कोई भी पूछेगा, वो किसी को भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है वो सवाल पूछेगा आप, ठीक है? कि व्हाट इज ऑन डिमांड इंस्टेंस, व्हाट इज स्पॉट इंस्टेंस, व्हाट इज रिजर्व इंस्टेंस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स, ऐसे पूछेगा कोई भी। ऑटो टर्मिनेशन देखा हमने, मैनुअल टर्मिनेशन भी देखा, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन भी देखा, बूटस्ट्रैप आई होप आपने कवर किया है। कितने लोगों ने बूटस्ट्रैपिंग किया है? बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? आप एक सिंपल चीज बाकी लोग कर पा रहे, अगर मेजॉरिटी 40 40 से ज्यादा लोग कर पा रहे हैं, 40 लोग, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो यार? बाकी चीजें तो मैंने पढ़ाई है, सिर्फ बूटस्ट्रैपिंग की एक फाइल ही तो डालनी थी क्लस्टर प्रोविजनिंग के टाइम पे, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो?
is disappointing, huh? सिर्फ 40 40 लोगों को प्लेस होना है क्या? क्लस्टर लॉग्स देखे हमने, क्लस्टर लॉग का पाथ वगैरह। हाँ, क्वेरिंग क्लस्टर लॉग्स हम लोग बाद में देखते हैं, दैट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग क्लाउड वॉइस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये चीजें, ठीक है? ये किया आपने SSH 2 मास्टर? यस सर, यस यस सर, चलो यस अभी एक आपको मैं, डू यू एक्सपेक्ट मी टू टेक CLI एंड डू दिस थिंग्स फॉर यू गाइज? कैन यू डू दिस ऑन योर ओन? कैसे करना है? मैंने आपको IAM और EC2 के लिए बताया था, राइट? S3 के लिए भी थोड़ा बहुत बताया था। तो हाउ टू एक्सप्लोर यू नो, राइट? CLI में क्या क्या करो पता है क्या? चलो मैं लिख के दे देता हूँ आप। सिर्फ बेसिक चीजें करनी है आपको CLI में। सिर्फ आपको देखो, क्योंकि मैं आपका क्लास में करके देने में, मतलब एज सच आपको कुछ हेल्प नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, ठीक है? तो कमांड तो आपको मिल ही जाएंगी, यू जस्ट नीड टू पुट दोज वैल्यूज ऑफ योर क्लस्टर ID एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है? तो जो कंसोल में कर रहे हो वही CLI में करना है। तो क्या करो CLI में, क्या क्या करते हैं हम लोग कंसोल में? क्रिएट क्लस्टर, राइट? तो क्रिएट क्लस्टर करके देखो, टर्मिनेट टर्मिनेट क्लस्टर करके देखो, ठीक है? ऐड स्टेप करके देखो, ठीक है? ओके, और क्या रहता है EMR में, क्या क्या सिखाया हमने? स्टूडियो स्टूडियो वगैरह, तो मतलब इन जनरल कोर फंक्शनैलिटी बोलो ना, कोर ईपीसी फंक्शनैलिटी। हाँ, ईपीसी VPC। अब VPC तो अलग सर्विस है। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इन EMR? क्या हुआ? मेरे को भी बूटस्ट्रैपिंग बूटस्ट्रैपिंग, यस, इफ यू वांट, मतलब ये उतनी नेसेसरी चीज नहीं है CLI करने के लिए, ठीक है? देख लेते हैं हम लोग EMR में, याद नहीं आ रहा है हमें। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड, आई एम ओके। सर, इसके लिए AWS CLI कंफिगर करना पड़ेगा ना, उसमें ही करेंगे ना ये सब। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, याद है आपको? AWS CLI में आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊं। क्या किया था हमने लास्ट? मैंने दो चीजें बोली थी आपको, कैसे करते हैं डाउनलोड AWS CLI, सर, वेब में से, गूगल में से वो पिप AWS से भी सर। बोला था ना, पिप से भी हुआ था ना, किसी का, किसी ने किया था पिप से। अरे बोलो, पिप की कमांड बताई थी यार। हाँ, हुआ था सर, पिप से भी हुआ था एक। हाँ, पिप की AWS कमांड यूज कॉन्फ़िगर कर लो किया, या फिर डाउनलोड कर लो। हाँ डाउनलोडेड है सर, उससे कर हाँ, सकते हैं तो सर। करो कॉन्फिगर, करो कॉन्फिगर, यस। AWS कॉन्फिगर की कमांड है, उसके बाद आपको एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की डालनी पड़ती है, रीजन, यस डिफॉल्ट सर, फाइल ये जो फॉर्मेट। उसके बाद क्या करोगे? हाँ, कमांड्स है डायरेक्टरी यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर AWS EMR हेल्प, ठीक है? उसके उसके कमांड्स। बाद हाँ आप कमांड्स दिखेंगे, गो टू ईच कमांड, ट्राई यस सर, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑप्शनल पैरामीटर्स आर देयर, व्हाट आर द मैंडेटरी पैरामीटर्स आर देयर। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT और योर वेब, गूगल, गूगल ईट की, मुझे क्रिएट क्लस्टर की CLI कमांड दे दो। जस्ट रादर देन जस्ट कॉपिंग इट टू कंसोल एंड एग्जीक्यूटिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द पैरामीटर दैट इट इज गिविंग, इज देयर एनी एडिशनल पैरामीटर दैट आई डू नॉट नो, एंड डू आई नीड टू स्टडी अबाउट इट।
आर देर एनी डिफरेंट ऑप्शंस लाइक लिस्टिंग क्लस्टर. हाँ देखो, क्लस्टर लिस्ट करना, कितने क्लस्टर एक्टिव है, लिस्ट एक्टिव क्लस्टर्स. ठीक है, तो ये सब चीजें और बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती है. ऐसी सात आठ फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके देखो, आठ दस कमांड आ गई आपको बहुत है. ठीक है, यू विल नॉट बी यूजिंग सी एल आई वेरी मच. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग बोटो थ्री यूज करेंगे, इसके लिए बोटो थ्री हम लोग अलग से लेने वाले. चलेगा, हो गया है क्या, देखते हैं हम अभी. सक्सेस हो गया है. ठीक है, डू यू वॉन्ट टू चेक इट इन आर आउटपुट? पता नहीं अभी का टाइम वाली कौन सी फाइल है. देर आर थ्री फोर फाइव इट हैज रिटर्न. वाइट वाइट मच 13 दे राइट. विद द सेम नेम. ओके, देर आर मल्टीपल फाइल्स इट हैज रिटर्न. ओके, दैट्स नॉट एन इशू. इज दिस द वन लोगों ने यही लोकेशन दिया था ना हमने. ठीक यस सर, है, मतलब आउटपुट आ गया, लेकिन ये इतनी सारी फाइल किस चीज की है? डोंट नो. हाँ डियर लिखी है ना. पार्टिशन में रिटर्न किया है ठीक है, सर ठीक उसने। है, डेटा फ्रेम में लिखी है उसने. ठीक है, चलेगा. थोड़ी बड़ी होगी डेटा फ्रेम, इसलिए मल्टीपल ये होगा. और हमने उसको पार्टीशन बाय या फिर कोलेस से, पार्टीशन बाय नहीं, कोलेस या रिपार्टीशन से हमने उसको कंट्रोल भी नहीं किया ना, नंबर ऑफ पार्टीशन दैट इट शुड राइट. तो इसीलिए इट हैज इट्स ओन डिफॉल्ट नंबर, दैट इज इट हैज क्रिएटेड नंबर ऑफ फाइल्स. ठीक है, हमने ये चीज डिस्कस की है ना इसके पहले, कि हम लोग नंबर ऑफ फाइल को कैसे कंट्रोल करते हैं. ठीक यस सर, यस सर, है राइट, कैसे करते हैं बताओ कोई. तो बोले सर भी यस कोलेशन रिपार्टीशन से करते हैं राइट. यस सर, सर, मैक्स रिकॉर्ड, क्या क्या मैक्स रिकॉर्ड मैक्स रिकॉर्ड से क्या करते हैं बताओ. मैक्स रिकॉर्ड से कैन यू प्रिसाइजली कंट्रोल नंबर ऑफ फाइल्स? व्हाट डू यू नो डू? सर, नो, एक्चुअली इट इज गिविंग मैक्सिमम रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर फाइल एग्जैक्टली, मीन्स। दीज आर टू डिफरेंट सिनारियोज, कि अगर आपको नंबर ऑफ फाइल्स चाहिए तो आप रिपार्टिशन और कोलेस करोगे, रिपार्टिशन और कोलेस करोगे. ठीक है, अगर आपको एक फाइल में एक लिमिट के ऊपर रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, यू नो दैट लिमिट. ठीक है, फाइल साइज उतना बड़ा नहीं चाहिए. ठीक है, तो उस केस में आप मैक्स रिकॉर्ड का ऑप्शन यूज करोगे राइट. यस तो सर, दैट, तो वो डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएटेड, बट यू विल नॉट हैव द कंट्रोल ओवर दोस नंबर ऑफ फाइल्स राइट. ठीक है, तो दो अलग चीजें, समझ में आ रही है सबको? यस सर, यस सर, चलेगा. तो ये चीज तो हो गई हमारी. अभी क्या बचा है, हम लोग सिलेबस देख रहे थे ना अभी, तो लेट्स गो थ्रू दैट वंस. ईएमआर स्टेप ये कर लोगे ना, सीएलआई कर लोगे, कुछ चैलेंजेस आते तो देख लो बस. कितने लोग कर पाएंगे सीएलआई खुद से? तब किया है मैंने। अरे वाह, बढ़िया, वेरी गुड. किसी को हेल्प लगी तो उनको प्रोवाइड कर देना, सीएलआई में गाइड कर देना. ठीक है, क्या यस सर, यस सर, नाम है आपका? नागत। सही है, सही है. बाकी लोगों को हेल्प करो किसी को लगता है तो. ठीक है, लेकिन ये आप खुद से कर लो. ठीक है, सीएलआई, क्योंकि सीएलआई में ऐसे कुछ है नहीं यार, वही तो कमांड उठाने हैं, हेल्प लेके उसी को फायर करना है. सिर्फ AWS की सीएलआई में कॉन्फिगर करके बस फायर करने है कमांड, और जो भी ऑप्शंस कंसोल में देख रहे हो वही ऑप्शन वहां पे भी है.
राइट अगर आप जब क्लस्टर क्रिएट कर रहे हो, इफ इट इज आस्किंग फॉर इंस्टेंट इंस्टेंस टाइप्स इन कंसोल, यू विल हैव टू प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर इंस्टेंस टाइप्स इन क्रिएट क्लस्टर कमांड ऑफ सीएलआई ऑल्सो. तो देयर वोंट बी एनी मेजर डिफरेंसेस. ठीक है, सिर्फ वो कमांड से कर रहे हो, तो दैट यू कैन फिगर इट आउट ऑन यू. ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दिस थिंग्स. ठीक है, हम लोगों को ना थोड़ी थ्योरी कवर करनी थी, तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल कवर दिस थिंग टुमारो, थ्योरी पार्ट. मुझे लगता है कि ये चीजें हम लोग बाद में कवर करेंगे. थ्योरी डू यू आई शुड गिव यू टाइम टू स्टडी दिस थिंग्स एंड देन टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स लाइक फैक्टर इन डिसाइडिंग विच नोड टाइप्स एंड साइज टू सिलेक्ट इन ईएमआर क्लस्टर एंड ऑल दोस थिंग्स. हमने यस बाकी सर, सब चीजें कर दी है. ठीक है, ईएमआर सर्वरलेस तो हमारा हो गया है, जस्ट वी हैव टू कवर बोटो 3. वो बोटो 3 हम लोग अलग से कवर करने वाले. वंस दिस थिंग गेट्स कंप्लीटेड, आई विल बी कवरिंग बोटो 3. ठीक है, उसके बाद हम लोग रेड शिफ्ट शुरू करेंगे. ओके, सो दिस इज द थियरी पार्ट विच आई हैव एडेड फ्रॉम माई नोट्स. ठीक है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस आफ्टर वी कवर द सर्विसेस. वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू प्रिफर? डू यू वॉन्ट मी टू डिस्कस दिस थिंग्स नाउ इट सेल्फ और आफ्टरवर्ड्स? बिकॉज दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन टू बी ऑनेस्ट. अभी के लिए आप अभी खुद से पढ़ लो, आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन वी विल डू द रिविजन. चलेगा? यस यस सर, सर. हाँ, क्योंकि सारी चीजें समझ में नहीं आएगी. अब फिर आपको लगेगा कि यार ये चीजें समझ में नहीं आ रही, उससे अच्छा है पहले पढ़ लो चीजें, गेट सम क्लैरिटी ओवर पर्टिकुलर सर्विस, ट्राई टू एक्सप्लोर सर्टन थ्योरी ऑन योर ओन, गेट हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू फाइंड आउट सर्टन क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर्स. खुद का एक ये बना लो, नोट्स बना लो रिगार्डिंग योर इंटरव्यू, नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. उसके बाद आई कैन हेल्प यू आउट विद दोस क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंफ्यूजिंग चीजें. ठीक है, और तब आप खुद आपका भी इनपुट दे देना कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा था, वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन इन इफेक्टिव मैनर. ठीक है, चलेगा? सो विद दिस आई थिंक वी आर डन विद ईएमआर. ठीक है, ऐसे मत सोचना कि ईएमआर हो गया है मतलब ईएमआर से हमारा कुछ काम ही नहीं है इसके बाद, ऐसा नहीं है. ठीक है, हम लोग लेंगे वर्क फ्लो लेंगे इसका. ठीक है, कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे रिविजन के टाइम पे या फिर इफ टाइम परमिट उसके पहले. ठीक है, तो अभी के लिए तो हमारा ईएमआर खत्म हो गया है. विल बी कवरिंग थियरी आफ्टरवर्ड्स एंड विल बी स्टार्टिंग विथ बोटो 3 देन टुमारो. ठीक है, वेयर हाउसिंग हो गया है ना आपका, ये देख लो सारी चीजें आती है क्या आपको इसमें से, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक, नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर एंड ओलैप स्कीमा, डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा लेक, ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस लाइक हाइव बेस्ड हडूप इकोसिस्टम, ये सब, ट्रेडिशनल डीडब्ल्यू और मॉडर्न डीडब्ल्यू में डिफरेंसेस. ठीक है, वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट, डेटा मॉडलिंग ये पढ़ लो. हाँ, डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट, टेम्पोरल मॉडलिंग क्या होती है, टाइम बेस्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेफर करते हैं फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, वो होती है मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग, हायरार्किकल मॉडलिंग क्या होती है देख लो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, डेटा मार्ट क्या होते हैं, ओलैप, फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, एससीडी. एससीडी की क्लैरिटी कितने लोगों को है यहाँ पे? हाँ, क्वेश्चन पूछो क्या? हैंड डाउन हो रहे हैं अभी. क्यों, बाकी लोग क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो क्या? ठीक है, बिल्ड कर लो यार, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो. इससे भी नहीं पता है तो क्या ही पता है, आपको इतना अच्छे से पढ़ाया है. ठीक है, आपने ट्रैफिक का प्रोजेक्ट किया है, वहां पे मैंने खुद अटेंड किया था आपका सेशन, जब आदित्य सर ने प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह लिया थे. ठीक है, आदित्य सर ने अच्छे से बताया था कि कैसे SCD2 या फिर
इंक्रीमेंटल लोड को कैसे हैंडल करना है, उन्होंने काफी अच्छे से बताया था। व्हाई आई डोंट नो कि बाकी लोग क्यों समझ में नहीं आए। इफ यू डोंट पुट योर एफर्ट्स आफ्टर द सेशन, उसकी वजह से आपको लगता है कि सारी चीजें फैकल्टी को समझानी चाहिए, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, 30-40%, 20% भी सेशन में समझ में आया ना, इफ यू पुट एफर्ट्स आफ्टर द सेशन यू विल अचीव 60-70%। ठीक है, लेकिन वो नहीं करोगे तो आपका 20% भी भूल जाओगे। ठीक है, व्हाट इज चेंज डेटा कैप्चर कॉन्सेप्ट देख लो ये चीजें चीजों की। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेड शिफ्ट। यस, बाद में थोड़ी बहुत सिंपल चीजें हैं लाइक RDS, क्लाउड वॉच, लैम्बडा। ठीक है, उसके बाद हमारा AWS का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा एयर फ्लो रहेगा बस। ठीक है, विद दिस मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए।